मौजूद हैं और इनाम और इकराम पाने वाले तमाम बच्चे और बच्चियां जो इससे भी मौजूद हैं, सामीन हजरात और खवातीन, आपके सामने हमें दो जुमले अर्ज करने के लिए कहा गया है। मैं सबसे ज़्यादा बदनसीब इसलिए हूँ कि जब ईरान में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें सोशल एथिकल कमीशन में दाखिल होने का हमको मौका मिला तो 1.5 घंटे से ज़्यादा हमको सबों ने सुनने की कोशिश की, जिसमें कम से कम 55 ममालिक के लोग मौजूद थे। तो हम 1.5 घंटे में कितने जुमले कह सकते हैं इसका एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हमें दो जुमले कहने के लिए हम क्या दो जुमले कहें, हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल करें, मेज़बानों की तारीफ करें, इदारे का शुक्रिया अदा करें और उन बच्चों की हौसला अफजाई करें, क्या क्या करें, मगर इतना ज़रूर कहेंगे हम कि अपने तौर पर हमारी कौम अपने को समझती आ रही है कि हम यतीम हैं, हम यतीम हैं, हम असीर हैं, हम बेकस हैं, हम मजलूम हैं। ऐसा फ्रस्ट्रेशन लागू कर दिया गया हम लोगों के ऊपर और सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन हमारे यहाँ इतना ज़्यादा आ गया है और इस कदर सेल्फिश हो गए हैं हम लोग जो हैं वो दूर दूर रहते हैं। इस कौम को ये मालूम नहीं कि हम क्या थे और क्या हैं। अपने तौर पर इसने समझा है कि मुकद्दर हमारा ये है कि भीख मांग के फकीरी तालीम हम हासिल करें, भिखारी कैसे बन जाए। हमें अजीब गरीब कैफियत नजर आती है मदरसों में, यतीम खानों में वो परेशानी आ रही है। हमारे मदरसों को भी यतीम खाना बनाने की कोशिश की जा रही है और कोई सरपरस्ती सामने नजर नहीं आ रही है। हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारे क्या तबलीग हो रही है, क्या नहीं हो रही, इतना जरूर जानते हैं कि ईरान में जो तबलीगात हो रही थी वो कैद और बंद में हो रही थी, बादशाहों के जुल्म में हो रही थी, उसके बावजूद 2500 साल की शहनशाहियत का खात्मा इमाम खुमैनी ने अपनी तकरीरों के जरिए, अपने अमल के जरिए, 35 साल अपने इंकलाब के जरिए करके दिखाई। हम आज़ाद हिंदुस्तान में थे, हमारे पर इतना जुल्म नहीं हो रहा था, लेकिन हमारी ऐसी कैसे ये तालीम हुई, हमारी क्या तालीम हमने हासिल की कि हमने तमाम अपनी करबलाएँ, अपने कब्रिस्तान, अपने इमाम बारे बेच दिए या लोगों ने कब्जा कर डाले, हमारी ज़मीनें हमारे हाथ से निकल गई हैं और न तालीम है, न इल्म है, न अक्ल है, फर्क कुछ नहीं। हम भूल गए कि हाजी मौलाना मोहसिन साहब भी हमारा ही नाम है, हम भूल गए कि सर सैयद अहमद का हमारा नाम है, हम भूल गए कि अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल हमारा नाम है, हम भूल गए कि डॉक्टर सर सुल्तान अहमद हमारा नाम है, हम भूल गए कि अल्लामा इकबाल हमारे लिए कहते थे, हम सब भूल गए। हमारे ही शायर का नाम मीर बबल अनीस है, मिर्जा सलामती कबीर है, यूनिवर्सिटी तबर्रुक बन करके अभी तक उनको पढ़ रही है। हमारे कहने का मकसद ये होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा परिस्थिति क्यों है और ऐसा लागू भी किया जा रहा है, दबाया आ रहा है ऐसी ऐसी सिंतों से। हम इतना जरूर कहेंगे आपसे कि हम लोगों के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि तुम्हें इल्म हासिल करना चाहे चीन में मिले, ये चीन कह के उन्होंने दिखाया था कि कितनी दिक्कतें हैं इल्म को हासिल करने में, कितना खर्च करना होगा तुमको। उन्होंने ये नहीं कह दिया कि हज तुम्हारे पर सफर वाजिब हो गया, हर किसी मर्द औरत का हज वाजिब हो गया, ये नहीं कहा, मगर इल्म को वाजिब करार दे दिया। और कुरान ने भी कहा इतना बिस्तर पर कल नजी खलक, यानी जाहिर है हम, और कुरान ने ये भी कह दिया कि हम ऐसा भी आलिम तुम्हारे पास भेज रहे हैं जो अपने तौर पर सीखा